हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया के ऊपर, प्रिंट मेकिंग के ऊपर। और आज के 20 क्वेश्चन हमारे प्रिंट मेकिंग के ऊपर हैं, क्योंकि इससे भी 20 क्वेश्चन, मतलब इससे भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, चंडीगढ़ के एग्जाम में। तो आज हम 20 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हु इज ऑफन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंडियन प्रिंट मेकिंग। ठीक है, हु इज ऑफन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंडियन प्रिंट मेकिंग। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि आपको इस पे आंसर लिखना रहता है मैम, कुछ कह देते हैं कि नहीं मैम आप आंसर मत लिखा करिए, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस पे लेकिन ये है कि अगर आंसर लिख देते हैं और आप लोग अगर पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को अगर जैसे कई बार होता है आप नहीं सुन रहे हो और ऐसे ही देख रहे हो, तो आपको आंसर दिख रहा है अगर, तो आप उसको लगा लेते हो। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा केजी अपू पुटन। ठीक है, केजी अपू पुटन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें एक चीज आप लोग को और क्लियर कर दे, अगर ऐसे आता है और यहाँ पे राजा रवि वर्मा का नाम ले दिया होगा, तो हम यहाँ पे राजा रवि वर्मा का नाम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी इज कंसिडर्ड द हब ऑफ इंडियन ग्राफिक प्रिंट मेकिंग। मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा मुंबई। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लो कॉस्ट लिथोग्राफी इन इंडिया, मेकिंग प्रिंट मेकिंग मोर एसेसिबल। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस कराया था लो कॉस्ट लिथोग्राफी का इंडिया में? ज्योति भट्ट, के जी सुब्रमण्यम, आर के जोशी और भूपेन खक्कर। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा आर के जोशी। नेक्स्ट है, विच इंडियन ग्राफिक आर्टिस्ट इज नोन फॉर हिज इंट्रिकेट लीनो कट प्रिंट्स डिपिक्टिंग सीन फ्रॉम रूरल लाइफ। रूरल लाइफ के लीनो कट प्रिंट किस ग्राफिक आर्टिस्ट ने ज्यादा बनाए थे? शक्ति बर्मन, अनुपम सूद, जोगेन चौधरी और ध्रुवी आचार्य। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा जोगेन चौधरी। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज पायोनियरिंग वर्क इन सेरीग्राफी स्क्रीन प्रिंटिंग इन इंडिया। ठीक है, के जी सुब्रमण्यम, ज्योति भट्ट, भूपेन खक्कर और अकबर पदमसी। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ज्योति भट्ट। नेक्स्ट है, द आइकॉनिक मदर इंडिया पोस्टर वॉज क्रिएटेड बाई विच इंडियन आर्टिस्ट। तो आइकॉनिक मदर इंडिया का पोस्टर किसने बनाया था? आर के लक्ष्मण, एम एफ हुसैन, के हैबर और के एम एडीमूलम। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा के हैबर। नेक्स्ट चलते हैं, विच इंडियन ग्राफिक डिजाइनर इज नोन फॉर हिज डिस्टिंक्टिव टाइपोग्राफी एंड पोस्टर डिजाइन। ठीक है, और अरिजीत सेन, राजकमलाइज, रवि वर्मा और सत्यजीत रे। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अरिजीत सेन। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज सेट्रिकल कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स पर्टिकुलरली इन द पब्लिकेशन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन जाना जाता था फिर अपने कार्टून और कैरिकेचर के लिए? आर के लक्ष्मण, मारियो मिरांडा, अबू अब्राहम, शंकर पिल्लई। ठीक है, तो वैसे तो ये सारे ही हैं, लेकिन ये पूछा है कि इलस्ट्रेटेड वीकली पब्लिकेशन में किसके आते थे। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट है, विच इंडियन ग्राफिक आर्टिस्ट इज नोन फॉर हिज इनोवेटिव यूज ऑफ डिजिटल मीडिया इन हिज आर्ट वर्क। डिजिटल मीडिया का यूज किसने किया था, किस ग्राफिक आर्टिस्ट ने किया था, किसने इसकी शुरुआत, मतलब अपने उसमें काम में प्रधानता दी थी, प्रमुखता दी थी? सुधीर पटवर्धन, अतुल डोडिया, अंजलि इला मेलन या बैजू पार्थन। ठीक है, बैजू पार्थन। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा बैजू पार्थन। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज वुडकट प्रिंट्स डिपिक्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल थीम्स इन इंडिया। के जी सुब्रमण्यम,
एस जी वासुदेव, कविता नायर या चित्रो वनु मजूमदार। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा एस जी वासुदेव। नेक्स्ट है, विच इंडियन आर्टिस्ट इज नोन फॉर हिज बोल्ड एंड कलरफुल पोस्टर्स प्रोमोटिंग सोशल कॉज एंड इवेंट्स। कौन सा आर्टिस्ट है जो कलरफुल पोस्टर समाज के जो घटनाएं होती थी उससे रिलेटेड बनाता था? अरिजीत सिंह, सौरभ तिवारी, राम रहमान, रवि वर्मा। राम रहमान राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, राम रहमान। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज कॉमिक बुक सीरीज द एडवेंचर ऑफ टिनटिन? आर के लक्ष्मण, हेरगे, मारियो मिरांडा, आर के नारायण। हेरगे राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, हेरगे। विच इंडियन आर्टिस्ट इज नोन फॉर हिज ग्राफिक नोवेल कॉरिडोर? सारनाथ बनर्जी, सुधीर पटवर्धन, ज्योति भट्ट या विवान सुंदरम। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, सारनाथ बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज इलस्ट्रेशन इन द अमर चित्र कथा सीरीज डिपिक्टिंग इंडियन मैथोलॉजी एंड हिस्ट्री? अमर चित्र कथा के लिए, सीरीज के लिए कौन फेमस है, किसने इसको इलस्ट्रेट किया था? अरिजीत सेन, आर के लक्ष्मण, अनंत पै, सत्यजीत रे। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, अनंत पै। बहुत बार ये आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है यहाँ पे अनंत पै। विच इंडियन ग्राफिक डिजाइनर इज नोन फॉर हिज मिनिमलिस्ट एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू डिजाइन? ठीक है, तो कौन सा ऐसा ग्राफिक कलाकार है जो अपने बहुत ही मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने डिजाइनों में और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं? राजकमल आइच, सत्यजीत रे, आर के जोशी या रवि वर्मा। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, राजकमल आइच। हु इज नोन फॉर हिज पॉलिटिकल कार्टून एंड इलस्ट्रेशन ऑफन पब्लिश्ड इन मेजर इंडियन न्यूज़पेपर? ठीक है, कौन है जो अपने पॉलिटिकल कार्टून और इलस्ट्रेट के लिए फेमस है जो न्यूज़पेपर में जनरली पब्लिश होते हैं? अबू अब्राहम, आर के लक्ष्मण, मारियो मिरांडा और सुधीर पटवर्धन। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, अबू अब्राहम। नेक्स्ट है, विच इंडियन आर्टिस्ट इज नोन फॉर हिज डिजिटल कोलाज आर्ट वर्क एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर? भूपेन खक्कर, अतुल डोडिया, बैजू पार्थन, अंजलि ईला मेनन। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, बैजू पार्थन। ठीक है, डिजिटल कोलाज आर्ट वर्क के लिए। ठीक है, जो कौन से कलाकार इसमें से फेमस है जो डिजिटल कोलाज आर्ट वर्क का कार्य करते हैं? नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज सीरीज ऑफ पेंटिंग टाइटल ट्विंस एंड वॉयज एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ ड्यूलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन? ठीक है, ये दोनों सीरीज ट्विंस एंड वॉयज किसकी है? राइट आंसर है यहाँ पे सुधीर पटवर्धन। सुधीर पटवर्धन, रवि वर्मा, राजकमल आइच और के एम एडीमुलम। ठीक है, विच इंडियन आर्टिस्ट इज नोन फॉर हिज इलस्ट्रेशन इन द महाभारत एंड रामायण सीरीज? ठीक है, महाभारत और रामायण सीरीज के लिए किसने इलस्ट्रेशन किया था, कौन जाना जाता है? सारनाथ बनर्जी, राजा रवि वर्मा, अरिजीत सिंह और आर के लक्ष्मण। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, राजा रवि वर्मा, क्योंकि वो हिंदी मेथोलॉजी पे बहुत काम करते थे, इससे भी समझ में आता है। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज आइकॉनिक मगन देसाई कैरेक्टर इन इंडियन कॉमिक? ठीक है, मगन देसाई कैरेक्टर के लिए कौन जाना जाता है इंडियन कॉमिक में? अनंत पई, आर के लक्ष्मण, आर के नारायण, मारियो मिरांडा। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, आर के नारायण। ठीक राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, आर के नारायण। तो फ्रेंड्स, आज के ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए प्रिंट मेकिंग से रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और आप लोग को तैयारी अभी ज्यादा करनी है। तो ये हम 20-20 क्वेश्चन करके कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कर ले, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।